दुनिया में जहां कोरोना महामारी के मामलों में कमी आते देख विश्व स्वास्थ्य संगठन जहां इस बीमारी के खत्म होने का ऐलान कर देने पर विचार कर रहा है, वहीं कोरोना के उद्गम स्रोत माने जाने वाले चीन में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। चीन के स्टिल सब वेरियंट का बड़ा प्रकोप। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,200 से ज्यादा नए मामले देखने में आए हैं। वहां पर कोरोना संक्रमित हुए अधिकतर लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट के सब वेरिएंट स्टिल से पीड़ित पाए गए हैं। चीन में कोरोना के फैलने से रोकने के लिए कई शहरों में लॉकडाउन लगा है और 3 करोड़ से ज्यादा लोग सख्त पाबंदियों में जीने को मजबूर हैं। क्या है कोरोना का स्टिल ओमिक्रॉन? कोरोना के इस सब वेरिएंट को BA.2 वेरिएंट भी कहा जाता है। ये सब वेरिएंट मूल वेरिएंट से अलग है। ये सब वेरिएंट इसलिए चिंताजनक है क्योंकि इसका पता लगाना कठिन है। इस सब वेरिएंट में स्पाइक प्रोटीन में महत्वपूर्ण की म्यूटेशन गायब है। इस की म्यूटेशन की वजह से कोरोना संक्रमण की पहचान के लिए तेजी से रैपिड PCR टेस्ट किए जा सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना का ये सब वेरिएंट BA.2 कोरोना वायरस के मूल वेरिएंट जैसा ही खतरनाक सिद्ध हो सकता है। इस सब वेरिएंट से पीड़ित लोगों में चक्कर आना और थकान महसूस होना सबसे प्रमुख लक्षण बताए गए हैं। ये लक्षण वायरस से संक्रमित होने के 2 से 3 दिनों के अंदर दिखते हैं। इन दो लक्षणों के अलावा बुखार आना, अत्यधिक थकान, खांसी, गले में खराश, हाथ में निशान बनना, मांसपेशियों में ऐंठन होना, सर्दी और हार्ट रेट में बढ़ोतरी के लक्षण भी नजर आते हैं। WHO के अनुसार ओमिक्रॉन वेरिएंट शरीर के ऊपरी रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। डेल्टा की तरह BA.2 वेरिएंट फेफड़ों को प्रभावित नहीं करता है और इसके साथ ही इस सब वेरिएंट से स्वाद या गंध की कमी नहीं होती है। सांस की तकलीफ की समस्या भी नहीं होती है। ये स्टिल्थ ओमिक्रॉन चीन में बड़े पैमाने पर फैल रहा है। धीरे धीरे फिलीपींस, नेपाल, कतर, डेनमार्क और भारत समेत दूसरे देशों में भी ये सब वेरिएंट के केस आने लगे हैं। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक इस सब वेरिएंट के आगमन की पुष्टि नहीं की है, फिर भी मेडिकल एक्सपर्ट का कहना है कि लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार पालन करते रहना चाहिए। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।